नमस्कार। तो आज आप फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। फ्यूचर रिटेल देखा जाए तो देख सकते कि मंथ ऑफ दिसंबर 29 दिसंबर के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को नहीं मिली थी। स्टॉक के अंदर काफ़ी वीक मोमेंटम यहाँ पे जनरेट थी। स्टॉक के अंदर काफ़ी साइडवेज मोमेंटम देखने को मिली थी। फिर रिसेंटली यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक में मोमेंटम नज़र नहीं आ रही। अपर सर्किट लग गए थे। स्टॉक ने इंपॉर्टेंट पार्ट बात की जाए तो ऑरेंज कलर का जो मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। फिर ब्लू कलर का जो 200 मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक किया था और उसी के साथ स्टॉक अच्छी मोमेंटम जनरेट कर रहा था। और मोमेंटम की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक दोनों मूविंग एवरेज एक साथ यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे। तो यहाँ से क्रॉस ओवर भी होता था तो पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते और ऑडियंस भी अच्छे खासे आए थे। फिर उस दिन के बाद स्टॉक में ट्रेडिंग ही बैन हो गई है। तकरीबन यहाँ पे देख सकते कि फंडामेंटल एंड टेक्निकली काफ़ी वीक स्टॉक है। आपकी पोजीशन फंसी हुई है तो आपको एनालिस्ट से पूछ कर डिसीजन बना लेना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्टॉक में निवेश करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और लॉस भी रिकवर हो सकता है।